हेलो दोस्तों, आज हम बात करना रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर। यहाँ पर जो है अनियमितता को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ आपके जो योग्यता प्रवेश परीक्षा कराता है उसको लेकर जो यहाँ पर पद्धतियाँ हैं, योग्यता प्रवेश की पैटर्न है या परीक्षा को लेकर जो भी यहाँ पर अनियमितता देखने को मिलती है उसको लेकर यहाँ पर जो है सवाल उठाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो है मांग भी की गई है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि सदस्य विधानसभा उत्तराखंड की तरह यहाँ पर जो है मांग किया गया है, जो कि यहाँ पर विपक्ष के जो आपके MLA हैं उनके द्वारा बताया गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है राज्यपाल को, यहाँ पर जो है जो महामहिम उत्तराखंड के राज्य के राज्यपाल, उनको यहाँ पर ये ज्ञापन दिया गया है। साथ ही आपको बता दूँ कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो है चल रही भर्ती परीक्षाओं में जो यहाँ पर अनियमितताओं की जो है यहाँ पर CBI जाँच कराने के संदर्भ में, तो यहाँ पर CBI जाँच कराने की मांग किया गया है। साथ में कल इन्होंने यहाँ पर आंदोलन भी किया गया था, आप लोगों को जैसे कि पता होगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर योग्यता प्रवेश की भर्तियों को लेकर क्या कहा गया है। योग्यता प्रवेश में यहाँ पर जो है हाल ही में संपन्न सभी भर्तियों में हुई अनियमितताओं की जो है CBI जांच कराने की मांग कर रखी इन्होंने, एक तो। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा गया है कि नॉमिनेशन पद्धति को जो है पूर्णतः जो है यहाँ पर पूर्णतया समाप्त किया जाए एवं आगामी परीक्षाओं जो यहाँ पर 11 पाली में कराया जाए। यहाँ पर एक पाली होगा, ठीक है, एक ही पाली में कराने की बात कही गई है, क्योंकि एक से ज़्यादा पाली होंगी तो सिंपल सी बात है कि आपका जो है यहाँ पर योग्यता प्रवेश नॉमिनेशन करेगा क्या करेगा। तो इसी वजह से नॉमिनेशन को लेकर, क्योंकि बच्चे जो है नॉमिनेशन को खेल को समझ नहीं पा रहे हैं, हालांकि उसके लिए फॉर्मेट तैयार किया गया है, आयोग अपना स्टेटमेंट जारी करता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा पेपर हार्ड है क्या है, वो आयोग के अनुसार होता है और अभ्यर्थी के अनुसार वो बिल्कुल जजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर एक ही शिफ्ट में पेपर कराने को लेकर कहा गया है और नॉमिनेशन पद्धति वो समाप्त करने की बात कही गई। जब एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉमिनेशन करने की बात होगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में कितने होंगे, 2 लाख तक अभ्यर्थी होते हैं क्या? 2 लाख तक के अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, 1.5 लाख में ही यहाँ पर जो है 3-4 पालियों में करा देते हैं, तो यहाँ काफ़ी दिक्कत है। और ऑनलाइन एग्जाम से करवाते हैं तो उसमें आपके 80,000 लोगों के लिए यहाँ पर जो है 13-14 पालियों में करवा देगा, आपका बंद रखा। उसके बाद थर्ड यहाँ पर रखा गया है कि UKCPSC और UKPSC द्वारा भर्तियों में जो यहाँ पर वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, और कैलेंडर का जो यहाँ पर प्रावधान ना होने के कारण जो यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं उनको जो है संपन्न कराने में जो है आयोग द्वारा 3 से 4 वर्ष का जो है समय लगता है। ये अच्छा पॉइंट था इसमें। यहाँ पर योग्यता परीक्षा तो कराता ही कराता है, हालांकि UKPSC के द्वारा तो करवाया गया है और उसी के अनुसार आपकी भर्ती परीक्षाएं भी चली हुई हैं। और योग्यता परीक्षा के अनुसार अगर बात करें, यहाँ पर एक कैलेंडर जारी किया गया था इन्होंने और वो कैलेंडर फेल हो गया इनका, दोबारा से एक कैलेंडर नया जारी करने के बाद योग्यता परीक्षा के द्वारा कही गई है, और इसी वजह से यहाँ पर भर्तियों जो है काफ़ी समय लग जाता है। एक निश्चित तरीके से कैलेंडर होना चाहिए, हालांकि 8-10 दिन पीछे ऊपर हो सकता है पेपर, लेकिन एक उसी मंथ में या उसी एग्जैक्ट टाइम में कराने की अगर बात होती तो यहाँ पर संपन्न लगभग जो है जल्दी आपका 6 महीने के अंदर भर्ती निपट जाती। इससे जो है 3 से 4 साल का समय लगता है, इस वजह से यहाँ पर ये कहा गया है। ये पॉइंट पे इन्होंने अपने ये यहाँ पर मांग है उसमें रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें चौथा पॉइंट आप लोग देखें यहाँ पर, योग्यता परिषद के अध्यक्ष सचिव के साथ साथ यहाँ पर जो है अनुसचिव एवं समीक्षा अधिकारी को जो है तत्काल प्रभाव से हटाया जाए एवं उनके कार्यकाल की जो है यहाँ पर CBI जांच कराई जाए। तो यहाँ पर उनके जो CBI जांच करने की बात कही, उनके जो कार्यकाल में क्या क्या हुआ है पूरी समीक्षा करने की बात कही गई है। CBI जांच बिठाने की इन्होंने मांग किया गया है, और सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और उनके जो अनुसचिव हैं और समीक्षा अधिकारी, उनको सबको हटाने की बात कही गई है। उसके साथ साथ कनिष्क अभियंता के यहाँ पर 2021 में सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो पोस्ट आपकी कनिष्क अभियंता की पोस्ट थी 228 पद, उसको यहाँ पर जो है समायोजित करने की बात कही गई है। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस भर्ती में जो है पूर्व की भांति जो यहाँ पर जिलेवार भर्ती कराई जाए और पूर्व की भांति जो है मेरिट जो है जिलेवार लगाई जाए। तो मेरिट जो है जिलेवार बनाने की बात कही गई है, और 2014 से लेकर 2022 तक जो है पुलिस भर्ती तैयारी करने वाले जो यहाँ पर युवा थे उनकी जो है आयु सीमा में छूट देने की मांग करी है। सातवां पॉइंट इन्होंने रखा गया है, पूर्व में जो है यहाँ पर हुई भर्ती घोटाले की जो है जितनी भी यहाँ पर जांच की गई है उनको जो है यहाँ पर सार्वजनिक किया जाए, जो जितनी भी भर्ती घोटाले हैं उनको जो है सार्वजनिक करने की बात की है। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आपके यहाँ पर राज्यपाल से मांग किया गया है, जो कि विधायक है विपक्ष के, तो उत्तराखंड शासन के जो आपके MLA हैं विपक्ष के, तो उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है आपके मांग हैं और इनकी जो है मांग रखा गया है महामहिम के समक्ष, और इन पर जो है जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात की है। और साथ ही यहाँ पर जो है कल इनका आंदोलन भी चला हुआ था, यही मांग में आंदोलन भी चला हुआ था इस मामले को लेकर भी।